नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आई नजर डालते हैं खबरों की तरफ। अखिलेश बोले, हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वालों की इमारतों पर चलवाएंगे बुलडोजर। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले चुन चुन कर इमारतों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस सरकार के इशारे पर गलत काम कर रही है या ठोकने वाली पुलिस है। अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोर्ट सवाल उठा रहा है कि क्या जंगल राज नहीं है। हमारे संवाददाता वुजो अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। भ्रष्टाचार बढ़ा है, जैसे जैसे सरकार करीब आएगी झूठ भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, और अगर किसी ने सही तस्वीर दिखा दी सरकार को तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि ये दाल नहीं, ये पीला पानी है हल्दी का, उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने दूध की सही तस्वीर सामने ला दी उन पर मुकदमा हो गया। हम जानते हैं कितनी तकलीफ परेशानी में भी आप भी काम कर रहे हो, सच दिखाना चाहते हो, सच जानते हैं, बता रहे हैं आप, लेकिन आप पे भी प्रेशर है सरकार का। तो ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिली जो अन्याय लगातार कर रही है, और जैसे जैसे सरकार आएगी समय खत्म होगा इनका, अन्याय बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और कभी कोई आरोप लगाता था उनकी सरकार में इतने मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार बताए इनके पास कितने मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। कल ही हम लोग लौटे हैं माली, बाराबंकी होकर के आए, एक बेटी के साथ क्या घटना हो गई, बेटियों के साथ घटना हो गई, महिलाओं के साथ घटना हो गई, और बदायूं जैसा दुख भरा कांड, कितनी बड़ी घटना हुई, और उसकी बेटी ने जो दिखाया गंदा कि देखो मेरी माँ का इतना खून लगा है। सोचो कौन सरकार में है, एक योगी सरकार में क्या कार्रवाई की, और लगातार महिलाओं के साथ हो रही घटना, अब यहाँ सरकार कर क्या रही?